भाई बहन के रिश्तों की अटूट प्रेम की त्योहार रक्षाबंधन का पर्व प्रयागराज के केंद्रीय कारागार में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जेल प्रशासन ने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की थी, जिसमें जेल में ही बनी राखियों एवं मिठाइयों को आने वाली भाइयों एवं बहनों के लिए मुफ्त में रखी गई थी। इसके अलावा पूजा का भी सारा सामान मुफ्त में मुहैया कराया गया था। भाई बहन के पवित्र और अनकंडीशनल लव का जो प्रतीक हमारा ये त्यौहार है, इसे बहुत उत्साह के साथ पूरे समाज में मनाया जाता है। और हमारे समाज के हिस्से हमारे बंदी भी हैं, उनसे मिलने बड़ी संख्या में बहनें आई हुई हैं। हमारे ओर से हर व्यवस्था, हर सुविधाएं शासन और प्रशासन की मनसा की उनको उपलब्ध कराई जा रही है। बहनों को सिर्फ आना भर है, राखी, रूली, चंदन, फूल, पुष्प, मिष्ठान, सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे यहाँ से की गई है। आप प्रकट रूप से देख भी सकते होंगे। और बहुत ही इसका एक अच्छा संदेश है समाज में जेल प्रशासन का, और बहुत अच्छे रूप से लिया भी जा रहा है जो परिजन उनके आ रहे हैं कि हम लोग जो है उनको मुख्यधारा में समझते हैं और चाहते हैं कि वो मुख्यधारा में शामिल हों और उनके साथ कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। एक अच्छे भावना के साथ हम लोग ये त्यौहार को मना रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम नैनी जेल में आए हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए, जिसके जो यहाँ की व्यवस्था हमें देख के बहुत अच्छी लगी है और यहाँ की प्रशासन भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। इस वजह से मुझे इस बार का रक्षाबंधन यहाँ पे मनाने में और अच्छा लगा। वो नहीं लग सकते, ये जहाँ लिखा था वही बगल में लगा, बढ़िया लगते। रोक दो इतना।